पहले भी मैं साइकिल से पूरा भ्रमण कर चुकी हूँ भारत का 2017 में, तो पूरा भारत में घूम चुकी हूँ। और मैं महिलाओं के खास तौर से मैं महिलाओं को मुद्दों को उठाती हूँ। मेरा मानना है कि कहीं पे भी महिलाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रही बात अकेले कहीं सफ़र करने की, उसमें भी मुझे नहीं लगता जितना एक महिला को डर होता उतना ही एक पुरुष को भी डर होता। अगर एक पुरुष को चार लोग पकड़ के उसके साथ कुछ गलत करना चाहेंगे तो वो अपने आप को नहीं बचा सकता। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मुझे कोई छेड़ेगा या कोई रास्ते में कुछ बोलेगा तो मुझे जो मिलेगा, ईंटा पत्थर जो मिलेगा, मैं उससे मारने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो वो ज़रूरी है, आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए। नमस्कार, नीश फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ एक ऐसी लेडी सिंघम है जो हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। इनका नाम तबस्सुम अली है और ये बिहार के जमुई की रहने वाली है। फिलहाल ये पटना में ही रहती हैं, लेकिन इनका सफ़र आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये बुलेट की सवारी करती हैं और ये बुलेट से काफ़ी दूर इन्होंने सफ़र तय किया है। और सफ़र तय करने के बाद में इनका कैसा अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, हम इसी ही इनसे जानते हैं। मैडम, आपका नीश फाउंडेशन में स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं और आप अपने ही बारे में सबसे ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि थोड़ा। मेरा नाम तबस्सुम अली है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरा अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, बट मैं और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम करती हूँ। और अभी जो मैं आप मुझे अभी यहाँ पे पकड़े हो, मैं एक केस के सिलसिले में जा रही हूँ, एक महिला से मिलने जा रही हूँ। उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उनका कॉल आया था, तो मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। कहा जाता है कि आप बुलेट से कई जगह का भी आपने सफ़र तय किया है, काफ़ी जगहों पे आप गए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया रहा। मैंने एक लक्ष्य बनाया था 2019 में कि 80 दिन में 45,000 किलोमीटर ट्रैवल करूंगी, लेकिन मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे 5,000 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया। 5 स्टेट में घूमी हूँ अभी तक बाइक से। यहाँ से यूपी, बिहार से यूपी, उत्तराखंड पूरा घूमी हूँ मैं। उसके बाद हिमाचल गई थी, फिर मैं जम्मू कश्मीर गई थी, उसके बाद पंजाब में मेरा जा करके 5वें स्टेट में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर मैं वापस आ गई हूँ। उसके बाद तो कोरोना आ गया, ऑपरेशन से प्लेटलेट लगा है, तो फिर 3 महीना नहीं जा सकी थी। फिर सोचा था 3 महीने के बाद जाऊंगी, लेकिन फिर 2020 से कोरोना ने एंट्री मारी, तो फिलहाल अभी वो मेरा प्रोग्राम अभी स्थगित है। बट हाँ, उसको करना है मुझे। इससे पहले भी मैं साइकिल से पूरा भ्रमण कर चुकी हूँ भारत का 2017 में, तो पूरा भारत में घूम चुकी हूँ। और मैं महिलाओं के खास तौर से मैं महिलाओं को मुद्दों को उठाती हूँ। मेरा मानना है कि कहीं पर भी महिलाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रही बात अकेले कहीं सफ़र करने की, उसमें भी मुझे नहीं लगता जितना एक महिला को डर होता उतना ही एक पुरुष को भी डर होता। अगर एक पुरुष को चार लोग पकड़ के उसके साथ कुछ गलत करना चाहेंगे तो वो अपने आप को नहीं बचा सकता। तो इस डर से कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, महिलाएं बाहर ना निकले, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। हाँ, आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बाहर निकले, ये पूरी दुनिया आपका है, पूरा आसमान आपका, आप कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल, आप एक महिला के नाते हम आपसे पूछना चाहते हैं कि महिलाओं को खास करके काफ़ी कुछ पाबंदी लग जाती है घर से एक खास कर कदम बाहर निकालने, आपके साथ में क्या इस तरह से हुआ था? मेरे साथ शुरुआत एक्चुअली, पहले तो हमारी भी फैमिली बहुत मुस्लिम फैमिली से हूँ तो कंजर्वेटिव तो है, और ऐसा नहीं है अभी तो बहुत प्रोग्रेस भी हो गया है मुस्लिम फैमिली, बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा छूट नहीं थी। इवन कि हमारे पढ़ाई और लिखाई में भी बहुत पाबंदी थी, बट मेरा एक जुनून था और मुझे एक अंदर से वो था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं करूँगी। और हालाँकि ये मौका मुझे मेरे 30 साल हो जाने के बाद मिला, बट एक जो चाहत थी ना, वो कहते हैं ना जब किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात भी मिलाने पे उसको ये हो जाती, तो मेरे साथ भी वही कहानी हुई। मैंने 37 की एज में साइकिल से ऑल इंडिया घूमा और 39 की एज में मैंने कोशिश किया कि मैं बाइक से पूरा घूमूं, और अभी भी वो जज्बा है, मैं घूमूंगी। तो पाबंदियाँ थी, हमारे घर में लड़कियाँ बाहर भी नहीं निकलती थी, बट हाँ आज वो कंडीशन नहीं है। आज मेरी सारी बहनें वर्किंग हैं और मेरे पापा मुझे देख करके मतलब और भी लोग बहनों को, हाँ बहुत ज़्यादा, और अभी तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है फैमिली से मुझे, पहले नहीं था, अब मिलता है। तो पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो गया है, तो क्या बहुत तकलीफ होती है। मैं कभी ये लेके निकलती हूँ बुलेट, कभी अपने भाई के एवेंजर लेके निकलती हूँ, और कभी पैसे नहीं होते तो स्कूटी लेके निकलती हूँ। बहुत तकलीफ होती है और ख़ासतौर से उस दौर में जब हम बेरोज़गार हैं, बहुत मुश्किल है। पेट्रोल का तो कुछ करिए भाई, इसका कीमत का कुछ तो आप लोग कीजिए, आप ही लोग के हाथ में है, मीडिया के हाथ में है, अब बोलेंगे तो हम भी धरना का पार्ट बन जाएंगे, लेकिन ये बहुत बुरा। या तो फिर गाड़ी को आप पानी से चलाना शुरू कीजिए,
लेकिन लोग बोलते हैं कि क्लाइमेट को सुरक्षित रखना है, लेकिन ये आज की नीड है। आप फोर व्हीलर को अवॉइड कर सकते हैं, आप टू व्हीलर को कैसे कीजिएगा? आपको कहीं जाना है, जल्द में जाना है, तो आप क्या यूज़ कीजिएगा? और एक जगह नहीं, चलिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर, लेकिन अगर हमें एक जगह एक दिन में चार पांच जगह, जैसे आपको मुझ जैसे लोगों को एक जगह तो कहीं जाना नहीं कीजिए, अगर के ऑफिस में एसी में बैठ जाए, हम लोग को फील्ड वर्क करना है तो कैसे करेंगे बिना दो पहिए की? और इलेक्ट्रॉनिक अभी इतना सक्सेस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक। सरकार से क्या आग्रह करती हैं? सरकार से यही आग्रह करती हूँ भाई कि जो महंगाई है उस पर थोड़ा आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि एक तो बेरोजगारी कोरोना की वजह से लोगों में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, ऊपर से ये महंगाई, जबकि सस्ता होना चाहिए, अभी उल्टा हो रहा है कि चीज़ें और महंगी होती जा रही है। कैसे ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी और अपने आप में बदलाव आप कब से लाई? मुझे बचपन से ही अलग करने का शौक था। मैं हमेशा कहती थी कि जो सब करते हैं ना वो मैं नहीं करूँगी, मुझे अलग करना, सब वो भेड़ चाल में नहीं चलना मुझे। तो ये जज्बा मेरे अंदर अपने ही सा, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि मेरा, मैंने कभी किसी को मार्गदर्शक नहीं, कोई मिला नहीं मुझे वैसा जो मुझे सही मार्ग दिखा सके। मैंने खुद से लाइफ में स्ट्रगल करके, चीज़ों को समझ करके आज जो हूँ, अपने बदौलत हूँ, चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, इतना संघर्ष किया है ज़िंदगी में कि ये सारा उसी का निचोड़ है कि आज मैं यहाँ। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस होना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा उनमें एक बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग सबके पास होता है, मेरा जैसा मानना कि दिमाग सबके पास होता है, लेकिन वक्त पे जो वो काम आ जाए, जब आप किसी समस्या में हैं और उस समय आपको उसका हल मिल जाए और आप उसको एक्शन में ले आओ, तभी वो सही, चाहे वो कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन मुसीबत में अगर उसने अपने आप को बचा लिया तो वो सही मायने में ऐसा है, चाहे उससे सेल्फ डिफेंस आए या ना आए। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगी, अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप अकेले ट्रैवल करते हो तो आपके पास कुछ होगा, लाइसेंस वगैरह होगा, और मतलब गन वगैरह होगा, या आपको सेल्फ डिफेंस आता? मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मुझे कोई छेड़ेगा या कोई रास्ते में कुछ बोलेगा तो मुझे जो मिलेगा, ईंटा पत्थर जो मिलेगा, मैं उससे मारने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो वो ज़रूरी है, आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए। आपके घर में कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा भाई बहन, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मुझसे छोटे तीन बहनें हैं, दो भाई हैं, सब सेटल है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अभी आप शादी नहीं की है? मैं सिंगल हूँ। आप शादी नहीं करेंगी? सिंगल हूँ, और पता नहीं शादी करूंगी कि नहीं करूंगी, फिलहाल कोई इरादा नहीं है। कोई इरादा नहीं है? कोई इरादा नहीं। आगे का लक्ष्य तो आपने और भी काफी ऊंचा रखा है। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ, जैसे सड़क पे आज आपने एक तबस्सुम अली को देखा ना, मैं चाहती हूँ कि पटना में, बिहार में खास तौर से और भी तबस्सुम अली हो, और भी इसी तरह के कारनामे वो करें लड़कियाँ, अपने मान सम्मान को की रक्षा करते हुए वो ऐसी सड़क पे दिखे। और आप एक बार पूरा एकदम बोले ना, एक लाइन से आप वीडियो बनाते रहो उनका, और देखो कि ये सारे लोग आज गर्व वो महसूस वो हो हमें, और मैं इसके लिए प्रयास भी कर रही हूँ। खासकर जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो और भी ज्यादा बहुत खुशी होती है। हम लोग, हम आप और मैं समझ सकते हैं कि जब हम जैसे लोग फील्ड में देखते हैं महिलाओं को, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं जब फील्ड में निकलती हूँ तो आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, अभी तक ज़्यादातर लोग मेल पर्सन ने मेरा इंटरव्यू किया, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है फील्ड में, उनकी संख्या ज़्यादा, तो मुझे उनके साथ ही काम करना है। और मैं चाहती हूँ कि मैं महिलाओं के साथ काम करूँ, उनसे परहेज नहीं है कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन महिलाएं भी आए ना तो और मज़ा आएगा हमें काम करने में। मेरी भी शुभकामनाएं मेरे टीम की तरफ से, न्यूज़ फाउंडेशन की तरफ से भी आपका शुभकामनाएं, बहुत जीवन में आगे बढ़िए। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रही थी सिंघम लेडीज़, इनका नाम तबस्सुम अली है, और ये चाहती हैं कि कई महिलाएं जो हैं वो भी तबस्सुम अली बने और बिहार के नाम जो है वो रोशन करें। अब देखने वाली बात रहेगी कि इनसे कितने लोग सीख लेते हैं, और अपना ओपिनियन हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये खबर हमारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।